I've got a bunch of quick questions. Sure. Please go ahead. To know more about you and understand more about you. Yeah. Cool. So let's start with, what was your source of curiosity in learning the knowledge that you're sharing today with all of us? I think that curiosity is there in everybody. ऐसा नहीं है कि वो क्यूरोसिटी सिर्फ मेरे में है, हर बच्चे में होती है वो क्यूरोसिटी. सब जानना चाहते हैं, सबके अंदर होता है कि मैं ये भी जानूं, वो भी जानूं, ये क्या है, वो क्या है. लेकिन टाइम के साथ साथ क्या होता है कि वी टेंड टू बिलीव जो हमने बुक्स में पढ़ा है, या फिर अब मैं, फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने स्कूल पास आउट कर लिया है, अब मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ, अब मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो गया हूँ, तो मुझे पता है. जैसे ज़्यादातर आपने लोगों के डायलॉग सुने होंगे जो थोड़ा एज में ज़्यादा होते हैं कि हमें मत बताओ, हमें सब पता है, हमने पूरी दुनिया देखी है एंड ऑल दैट, राइट. तो अब बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है कि वो सीखना बंद कर देते हैं. बट अगर हम ये समझ जाएं कि ये जो नॉलेज है, जिसको हम नॉलेज बोलते हैं, जो भी बुक्स में है, इंटरनेट पे है, यहाँ पे है, वहाँ पे है, जो भी नॉलेज है, वो नॉलेज अगर हमने अपने अंदर फीड कर भी दी तो उसको सीखना नहीं कहते हैं. ऐसे तो हम कंप्यूटर में भी फीड कर सकते हैं. अगर एक क्वेश्चन पूछना है और उसका जवाब देना ही अगर एक्चुअल नॉलेज है या एक्चुअल लर्निंग है, तो ऐसे तो फिर गूगल को सब पता है. तो इट्स नॉट अबाउट गिविंग द आंसर्स, इट्स अबाउट क्वेश्चनिंग द आंसर इटसेल्फ. दैट इज रियल लर्निंग. वो एक आर्ट हमारे अंदर होनी चाहिए. वो जब हमारे अंदर होती है तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी सिचुएशन की सिर्फ एक साइड को नहीं देखते हैं. ज्यादातर लोग एक साइड को पकड़ करके बैठे रहते हैं. एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आपको सब कुछ नजर आ रहा होता है. मतलब यू कैन सी मल्टीपल साइड्स ऑफ एनी पर्टिकुलर सिचुएशन, और फिर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है सब कुछ, क्योंकि अब आपके पास में कोई भी क्लियर कट आंसर्स नहीं होते हैं. एंड दैट इज रियल लर्निंग. कि मतलब आपको समझ आने लग जाए कि मेरी लिमिटेशन, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ नॉलेज. जितना आपको वो समझ आने लग गया है, आप समझ जाओ कि अब आप कुछ एक्चुअल में सीख रहे हो. इफ यू कैन सी द लिमिटेशन ऑफ नॉलेज, द लिमिटेशन ऑफ माइंड, दैट इज रियल लर्निंग. You have so much in you. How do you know so much? Oh no, no. I don't know much actually. मतलब लोगों को हो सकता है लगता हो, मैं सिर्फ अपने बारे में जानता हूँ, और जब मैं अपने बारे में जानता हूँ तो मैं आपके बारे में भी जानता हूँ. देखो, अगर आप मेरे से बात करोगे ना, जिसको भी टिपिकली जिसको इंटेलेक्चुअल नॉलेज बोलते हैं उसके बारे में, तो मेरे पास में कोई आंसर नहीं होगा. मैं कहूँगा मुझे नहीं पता. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आस्क मी कि दुनिया में वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता. आई एक्चुअली डोंट नो. मैं न्यूज़ भी नहीं पढ़ता हूँ, कभी रेयरली पढ़ता हूँ न्यूज़. अगर कोई बहुत बड़ी होती है तो वो मेरे तक पहुँच जाती है, बट मैं न्यूज़ तक नहीं जाता हूँ. तो मेरे को नहीं पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, या पास्ट में किसने क्या क्या किया, या अभी कौन क्या क्या कर रहा है, सो कॉल्ड फिलोसफर्स, उनकी फिलोसफी क्या है, ये क्या है, वो क्या है. आई डोंट गेट इन टू ऑल दैट. मतलब कि जो सेकेंड हैंड नॉलेज है उसमें मुझे मजा नहीं आता है. दैट इज ऑल सेकेंड हैंड नॉलेज, कि कहीं से किसी ने कुछ पढ़ा, उसने उसको मिला जुला के कुछ लिख दिया, और अब हम उसको पढ़ रहे हैं और पढ़ करके बोल रहे हैं, उसको ज्यादातर लोग नॉलेज समझते हैं. अगर उस टॉपिक के बारे में आप, ऐसे किसी भी टॉपिक के बारे में आप मेरे से बात करोगे, मेरे पास में कोई जवाब ही नहीं होगा. ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनके पास में सारे जवाब होते हैं, उनको सब पता होता है, मेरे को कुछ भी नहीं पता. बट अगर आप मुझसे पूछोगे माइंड के बारे में, बॉडी के बारे में, फीलिंग्स के बारे में, इमोशंस के बारे में, थॉट्स के बारे में, उसके बियॉन्ड जो कुछ है उसके बारे में, मेरे बारे में, आप अपने बारे में, क्योंकि आप और मैं अलग अलग नहीं है ना. ब्रेन आपके पास भी है, मेरे पास भी है, थॉट्स आपके अंदर भी आते हैं, मेरे अंदर भी आते हैं, फीलिंग्स आपके अंदर भी हैं, मेरे अंदर भी हैं. तो उस लेवल पे मैं आपसे कोई भी बात कर सकता हूँ. मैं समझ सकता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, आप कैसा फील कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसके पीछे क्या रीजन है. क्यों? क्योंकि मैं अपने माइंड को स्टडी करता रहता हूँ. So what does it mean to go deep in your mind? How do you do it and when do you know that it's done? Basically, mind ki depth mein jane ka matlab ye hota hai to question. Jo bhi kuch aapke andar chalta rehta hai, ek to usko observe karna, dekhna ki thought kab paida hota hai, us thought ki wajah se kaise feelings trigger hoti hai, kya jo hum apne andar hi andar bolte hain, uske bina agar hum apne andar kuch na bole, बहुत ही सटल होता है ये, तो क्या कोई थॉट हो सकता है, और अगर कोई थॉट नहीं है तो क्या कोई फीलिंग हो सकती है, कोई इमोशन हो सकता है. तो इस चीज को बारीकी से देखना होता है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, अपने अंदर एक एक करके, राइट. तो अब आपको समझ आ जाता है कि माइंड क्या है. मतलब लोग बात करते हैं माइंड की,
देर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने बुक्स लिखी है माइंड के ऊपर, बट दे हैव गॉट नो क्लू एज इन वॉट इज माइंड. जब थॉट नहीं होता है तो क्या माइंड होता है? इज माइंड सेपरेट फ्रॉम थॉट? इज थिंकर सेपरेट फ्रॉम थॉट? इज ऑब्जर्वर सेपरेट फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड? इस तरह से देखना होता है. और इस सबका सेंटर पॉइंट क्या है? मैं. तो ये मैं जिसको भी मैं कहता हूं, वो मैं क्या है अगर एक थॉट नहीं है? तो क्या मेरी पूरी एग्जिस्टेंस ही एक थॉट नहीं है? क्या उसके बियॉन्ड भी कुछ है? क्या माइंड के बियॉन्ड भी कुछ है? क्या मैं सिर्फ एक थॉट हूं? इस तरह से देखना होता है, बड़े आराम से देखना होता है. इट इज वेरी सिंपल एक्चुअली. ये जो माइंड को ऑब्जर्व करना है या यूनिवर्स को ऑब्जर्व करना है, ये बहुत ही सिंपल होता है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों के माइंड इतने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं कि सिंपल तरीके से देखना हमको आता ही नहीं है. जैसे आपके अंदर भी पानी है, आपकी बॉडी में भी, मेरी बॉडी में भी पानी है, तो जिसको हम छू रहे हैं दैट इज 70% वाटर. तो आप भी पानी हो, मैं भी पानी हूं, तो हम में फर्क क्या है? सिर्फ दिखी तो अलग अलग रहे हैं ना, बट फंडामेंटली फ्रॉम द मटेरियल स्टैंड पॉइंट, जिस मटेरियल के आप बने हो या मैं बना हूं, वो तो सेम है ना. तो क्या मैं एक्चुअल में अलग हूं इस यूनिवर्स से? थॉट यहां तक जाता ही नहीं है. माइंड इस तरह से नहीं सोचता है. माइंड मैं और तू में सेपरेशन करता रहता है. इस सेपरेशन की वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लैशेस होते हैं. बट जब थॉट के बियॉन्ड जाकर के हम रियलिटी को एज इट इज देख लेते हैं, दैट इज द बिगनिंग ऑफ लव, दैट इज द बिगनिंग ऑफ वननेस, दैट इज द बिगनिंग ऑफ लाइफ. What is the best form of charity if there is one? I don't want to use this word charity. मुझे ये word पसंद नहीं है. क्योंकि charity मतलब क्या? कि मेरे पास में बहुत कुछ है और मैं किसी को दे रहा हूं. मैं कौन होता हूं किसी को कुछ देने वाला? समझना क्या है कि जो सामने वाले हैं, यानी कि जो और लोग हैं, वो मुझसे अलग है ही नहीं. तो मैं जो भी उनके साथ में शेयर कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नंबर वन वो मेरा बेसिक नेचर है. जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी पार्क में जाओगे और आपने किसी फ्लावर को देखा, मान लो देयर इज अ रोज, उसमें से खुशबू आ रही है और वो खुशबू को आपने सूंघा, आपको अच्छा लगा, क्या वो रोज चैरिटी कर रहा है? क्या वो उसकी चैरिटी है? No. रोज ने बदले में आपसे कुछ भी नहीं मांगा, उस गुलाब ने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, बट आपको सब कुछ दे दिया, अपनी सारी खुशबू लुटा दी, तो वो क्या है? वो चैरिटी नहीं है. तो वो क्या है? वो उसका जो बेसिक नेचर है उसको एक्सप्रेस कर रहा है. जो वो अंदर से एक्चुअल में है वो बाहर आ रहा है, उसकी वजह से कुछ लोगों का कुछ बेनिफिट हो रहा है. तो वो ये करके किसी पे एहसान नहीं कर रहा है, वो कोई चैरिटी नहीं कर रहा है. जब आप खुद को अच्छे से समझ जाते हो कि दिस इज हु आई एम, तो आप अपने आप को औरों से अलग नहीं समझते हो, फिर आप औरों के साथ में एक हो जाते हो. फिर आप जो कुछ भी करते हो वो ये सोच करके नहीं करते कि ये करने से सामने वाले का क्या बेनिफिट होगा. आप जो भी कुछ करते हो उससे सामने वालों को अपने आप ही बेनिफिट हो जाता है. Yes. जैसे आप चाह करके भी अपना ये एक हाथ है, ये दूसरा हाथ है, इस एक हाथ से दूसरे हाथ को नुकसान पहुंचा सकते हो क्या? No. कभी भी नहीं. बल्कि अगर इसको कहीं दर्द हो रहा है तो इसको थोड़ा सा कंफर्ट कर सकते हो, राइट? क्यों? Yes. क्योंकि ये भी मैं हूं, ये भी मैं. तो जैसे हम खुद को जान जाते हैं तो हम खुद में औरों को देखते हैं और औरों में खुद को देखते हैं. और जब इस तरह से हमारी नजर हो जाती है और फिर हम जो भी कुछ करते हैं उससे अपने आप ही लोगों का भला होने लग जाता है. फिर आपके अंदर ये फीलिंग नहीं होती कि मैं ये हूं, मैं वो हूं और मैं सामने वाले को, तू गरीब है, ले तेरे को मैं ये दे रहा हूं, मैं तेरे को ये दे रहा हूं. तो वहां पर ईगो नहीं होती है, वहां पर एक अपनापन होता है, वहां पर एक भोलापन होता है, एक इनोसेंस होती है. लास्ट वन, इट्स अ बिट फनी वन. You usually say that you learn from every session you do. What was something that you learned from this session? Oh, a lot of things. जैसे अभी आपने मेरे से चैरिटी का मीनिंग पूछा, आपने पूछा what is charity? तो मैंने कभी भी ये क्वेश्चन अपने आप से नहीं पूछा था, किसी ने मुझसे आज तक नहीं पूछा था what is the meaning of charity. तो आपने पूछा तो मैंने उस क्वेश्चन को एक्सप्लोर किया और वहां से कुछ निकल करके आया जो मेरे लिए भी नया था. तो मैंने सीखा, आपने सीखा या नहीं सीखा वो मुझे पता नहीं, बट मैंने तो पक्का सीखा. मैंने भी सीखा. ग्रेट. इट वॉज
pleasure talking to you, and you've got a lovely smile. Same here. I must say that. Thank you.